गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी तासिका में लेने वाले हैं अगली जो कविता है वो उसका नाम है कठपुतली। कठपुतली और उसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है उन्होंने इस कविता में यानी कि कठपुतली इस कविता में क्या दिया है। कठपुतली क्या है, कठपुतली का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं कठपुतली। डोर से बंधा हुआ एक लकड़ी का खिलौना जो हाथ से नचाया जाता है। ऐसे लकड़ी का जो खिलौना होता है यानी कि किसी स्त्री का, पुरुष का या किसी बच्चे का जो आकार देकर लकड़ी का खिलौना बनाते हैं और उस पर कई तरह के रंग बिरंगे कपड़े चढ़ाते हैं और उसे दिखाने के लिए, नाच दिखाने के लिए क्या करते हैं, उंगलियों का सहारा लेते हैं। उंगलियों से डोर बांध कर, उंगलियां नचा कर उसमें से डोर से उसके हाथ पांव को खींच कर वो नाचने का जो कार्यक्रम है वो करते हैं, उसे कहते हैं कठपुतली। जो डोर से बंधी लकड़ी का जो खिलौना होता है उससे समझ आपको कठपुतली कैसे कहते हैं। लेखक सॉरी कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, कठपुतली जो डोर से बंधी है वो जो दूसरों के सहारे वो कुछ काम करती है, कि कार्य जो नाचने का कार्य है वो किस तरह करती है, वो दूसरों के सहारे करती है। लेकिन कवि ने इस कविता में उसके एक कठपुतली के विद्रोह का वर्णन किया है जो कि उसे पराधीन रहना पसंद नहीं है। तो वो किस तरह वर्णन इस कविता में करते हैं हम देखने वाले हैं। पहले देखो किस तरह यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है वो देखो, कठपुतली किस तरह होती है। देखो यहाँ पे बोर्ड पर, देखो यहाँ पे ये चित्र है कठपुतली का। यहाँ पे मैंने ये कठपुतली का चित्र बनाया है। किस तरह, ये है एक लड़की का चित्र। ये क्या है, एक लड़की का चित्र। पर इस तरह और भी चित्रों को बनाकर ऐसे सजा कर उसे डोर से, यहाँ से डोर, यहाँ तक, यहाँ से जो उंगलियां है यहाँ पे उंगलियां देख रहे हैं हमें, इस तरह ये उंगलियां रहते हैं और ये इसी तरह उसके हाथ पैर, यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट बुक में। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। क्या कहती है कठपुतली जो है, कहती है गुस्से से उबली यानी कि बहुत उसे गुस्सा आया क्योंकि उसे डोरे से बांधा गया है और उस डोरे से ही उसके कार्य होते रहते हैं। इसलिए कठपुतली जो है वो गुस्से से उबल कर यानी कि बहुत गुस्सा होकर बोलती है, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। ये धागे जो है क्यों मेरे आगे पीछे हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ना यानी कि मुक्त करना, पाँव पर छोड़ना यानी कि मुक्त करना। अब देखो यहाँ पे क्या कहती है, वो जो धागे है मुझसे बंधे हुए वो तोड़ दो और मुझे क्या कर दो, इस धागों से, इन पराधीन जीवन से मुक्त कर दो क्योंकि मैं अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहती हूँ, मैं अपने कार्य खुद करना चाहती हूँ ना कि दूसरों के सहारे। पाँव पर छोड़ दो, छोड़ देना यानी कि मुक्त करना। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और यानी कि
एक कठपुतली का जो विग्रह था, जो विद्रोह था, वो सुनकर दूसरे कठपुतलियाँ भी उसके कहने पर, यानी कि उनको ये उसकी इसका जो विचार था वो उनको पसंद आया था, इसलिए जो और जो कठपुतलियाँ थी वो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। क्या कहती है वो, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुए, यानी कि मन में मन खुश होना, मन के छंद छूना यानी कि मन खुश होना। अब जैसे तुम्हारी सोच है कि इस डोर से हमें मुक्त कर देना चाहिए, उस मुक्ति से हमारा मन जो है वो खुश हो जाएगा, हम अपने ही दम पर कुछ कार्य कर सकेंगे, हम अपने पैरों पर खड़ा रह सकेंगे, मुक्त संचार कर सकेंगे, ना कि दूसरों के सहारे। आगे देखो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा यानी कि लालसा मेरे मन में जगी। जो कठपुतली पहले थी, जो क्रोध से कह रही थी कि ये डोरी तोड़ दो, हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें मुक्त संचार करना है, वो फिर से गुस्सा ठंडा करके वो सोचने लगी, क्योंकि जिस तरह उसने विद्रोह किया था उसी तरह सारी कठपुतलियाँ जो है वो उसके साथ हो जाएंगी, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो पहली जो विद्रोह करने वाली कठपुतली है उस पर आ जाएगी। यही वो सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। इसलिए वो कहती है पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी लालसा यानी कि कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। इसलिए यहाँ पे कवि ने उस कठपुतली का वर्णन किया है जिसने विद्रोह करने का सोच लिया था, लेकिन वो अभी सोचने लगी थी कि मैं खुद के साथ दूसरे कठपुतलियों का भी क्या कर रही हूँ, नुकसान कर रही हूँ, क्रोध से लिए गए कोई भी जो निर्णय है वो ठीक नहीं होते, इसलिए सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। समझ आए आपको ये कविता का अर्थ, क्या कहती है पहली जो कठपुतली है, वो कहती है, गुस्से से कहती है कि उसे क्या करना है, मुक्त संचार करना है, उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना है। इस तरह वो बाकी की कठपुतलियों को भी अपने विचार बताती है और वो भी उसके साथ होने का दावा करते हैं, पर उसके बाद सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी जो है वो पहली वाली कठपुतली पर आ जाएगी। तभी वो सोचने लगी, पहली जो कठपुतली थी वो सोचने लगी कि इन सारों की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मुझे क्रोध से नहीं सोच विचार से काम लेना चाहिए। समझ आए आपको कविता, आपको समझ आई? ओके, थैंक यू।